जी दीपक शर्मा जी, एक कह रहे थे आप एक दूसरे को समझना हस्बैंड वाइफ को बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है ये पति पत्नी का रिश्ता, इसमें दोनों को ही एक दूसरे को रिश्ते को आगे बढ़ाना होता है, दोनों को एक साथ रहना होता है, एक दूसरे को इसमें समझना जरूरी होता है। क्योंकि पति पत्नी के बीच में जो है वो कोई तीसरा उन्हें सलाह नहीं दे सकता, दोनों को सोचना होता है एक दूसरे को कि हमें अपने रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाना, कैसे अपनी जिंदगी को चलाना है। इसलिए पति पत्नी दोनों को बराबर इसमें हक अदा करना पड़ता है। कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि हस्बैंड और वाइफ एक ही गाड़ी के दो पहिया हैं? निश्चित तौर पर एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों को साथ चलना है, दोनों को आगे बढ़ना है, और अपनी छोटी मोटी कमियों को दोनों को एडजस्ट करके, एक दूसरे को सम्मान करके, सहयोग करके, तभी जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ पाती है। कितने बच्चे होंगे? मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। तो बेटा बड़ा है? बेटी बड़ी है। बेटी बड़ी है तो मैं जान सकता हूँ क्या क्या उम्र है? बेटी इस साल इंटर में है और बेटा हाई स्कूल। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा, क्या 18 साल से कम उम्र के बच्चों के हाथ में एक्टिवा और बाइक होनी चाहिए? निश्चित तौर पर नहीं होनी चाहिए, कानून का सम्मान करना चाहिए, और पेरेंट्स को ये प्रयास करना चाहिए कि यदि वैसा साधन उपलब्ध है वाहन, तो उन्हें स्कूल बस या वैसी जो सुविधाएं हैं वो दी जानी चाहिए, ना कि प्राइवेट वाहन एक्टिवा वगैरह, वो चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि सबसे पहली चीज़ है कि यदि आप कानून का पालन करेंगे तो कानून निश्चित तौर पर हमारे फ़ायदे के लिए बने हुए हैं। बच्चे के साथ यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसमें जिम्मेदारी सबसे पहले ये माँ बाप की, तो इसलिए मेरा मानना है कि उनको नहीं देना चाहिए, नहीं देनी चाहिए एक्टिवा नहीं, रोड पर चलाने के लिए, रोड पर चलाने के लिए नहीं। चलिए आपके बच्चे छोटे, मैं एक जानकारी और लेना चाहता हूँ, क्या 12 साल से छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल होना चाहिए? अब क्योंकि मोबाइल एक बीमारी बन चुका है मेरे अनुसार, तो ज़रूरत नहीं है, बीमारी बन चुका है, और जब हम आदि हो जाते हैं किसी चीज़ के तो उसको बड़ा जो उसकी लत लग जाती है हमको। हालांकि मेरा मानना ये है कि जितनी आवश्यकता हो माँ बाप को सिर्फ उतना उनको दिया जाना चाहिए अपने सामने, के मान नेट का यूज़ करते हैं बच्चे, आज स्टडी इतनी हायर है, लेकिन मेरा मानना है कि उन्हें पर्सनली एक मोबाइल लेके दे देना चाहिए, इसकी ज़रूरत अभी नहीं। हम लोग नहीं समझते, हम भी आए हैं एजुकेशन लेके, तो हमारे बचपन में और आज के टाइम में काफ़ी फ़र्क है, लेकिन मेरा मानना ये है कि उनको मोबाइल इतनी कम उम्र में नहीं देना चाहिए। बच्चे जब फेल हो जाते हैं, क्लास में फेल हो जाते हैं या किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, जब माँ बाप डांट देते हैं तो वो सुसाइड की तरफ चल देते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न मेरे अनुसार ये है कि हम लोग अपने बच्चों को इतना प्रेशर में ले आते हैं स्टडी के में और आगे बढ़ने के में, उन्हें स्ट्रेस पैदा हो जाता है, हम लोग उनको वो चीज़ें नहीं दे पाते, जैसे खेलना है, पर्याप्त समय है, माँ बाप की जो ड्यूटी है, एक साथ रहना है, तो उनको हम लोग इतना समय नहीं दे पाते। सबसे बड़ा ज़रूरी चीज़ जो है वो यही है मेरे अनुसार, तो बच्चों में स्ट्रेस बढ़ जाता है, क्योंकि वो अपने आप एक टारगेट फिक्स कर लेते हैं कि भाई हमको यही करना है, अगर 90% से नीचे रहेंगे तो ये हो जाएगा। उसमें सबसे बड़ा रोल होता है माँ बाप का, उसके बाद रोल होता है उसके टीचर्स का। तो वो इस तरीके से अगर हम लोग अपने उसको प्लानिंग करते हैं, बच्चों को गाइडेंस देते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें आप फाइट कीजिए, आप निश्चित तौर पे अपनी एजुकेशन को गेन कीजिए, लेकिन उसमें कोई टारगेट ऐसा फिक्स ना कीजिए कि भाई आपके 90% नहीं आए हैं तो फिर आप कुछ भी नहीं हो। तो इसलिए ये चीज़ें जो जिम्मेदारी है माँ बाप की, तो उनको इस तरीके से परिवेश में ढाल के रखें कि ऐसी चीज़ों को साइकोलॉजिकल थोड़ा सा स्ट्रेंथ के साथ जो लेना चाहिए, तो इसमें माँ बाप की ड्यूटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दीपक शर्मा जी, जैसे कि आप दो बच्चों के पिता हैं जी, क्या आप कितना समय आप बच्चों के साथ व्यतीत करते हैं? मैं बच्चों के साथ, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मेरे को ज़्यादा समय अपने प्रोफेशन में देना पड़ता है, लेकिन निश्चित तौर पर मैं कम से कम बच्चों के साथ 2-3 घंटे अवश्य रहता हूँ। तो आपको कैसा लगता है जब आप बच्चों के साथ होते हैं? निश्चित तौर पर पहले मैं उनकी बातें सुनता हूँ, उनकी समस्या अगर कोई है उसे, उनकी क्या हॉबी है, क्या वो चाहते हैं, उस बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं परिवार में बैठ के शाम को अवश्य। दीपक शर्मा जी, क्या बच्चों के साथ फ्रेंडली व्यवहार रखना चाहिए या स्ट्रिक्ट व्यवहार रखना चाहिए? नहीं, मेरा मानना यह है कि फ्रेंडली व्यवहार रखना चाहिए, लेकिन इतना फ्रेंडली नहीं कि आपके किसी भी निर्णय को वो दरकिनार कर सके। कहीं कहीं आपको पेरेंट्स को ये निर्णय लेना होता है कि जहाँ आपको ऑर्डर देना पड़ता है, ना कि रिक्वेस्ट करना, तो ये पेरेंट्स का रोल मैं मानता हूँ। क्या पेरेंट टीचर मीटिंग में जाते हैं? जी हाँ, मैं जाता हूँ।
तो आपको कैसा लगता है वहाँ, क्या अनुभव मिलता है आपको? मुझे एक ऐसा अनुभव मिलता है कि उससे तो हमें ये पता चलता है कि स्कूल का क्या माहौल चल रहा है, कैसा स्टडी का चल रहा है, और आप घर पे हैं तो आपके बाद में बच्चों का स्कूल में क्या चल रहा है, उनके साथ कोई समस्या तो नहीं है, और उनके टीचर्स का कैसा चल रहा है, सारी चीज़ जानने को मिलती है तो अच्छा है। और वो ड्यूटी भी है एक पेरेंट्स की कि अपने बच्चों पे चारों तरफ वो नज़र भी रखें और उन्हें पता चलता रहे कि कोई ऐसी समस्या तो नहीं कि बच्चा हमें ना बता पा रहा हो और स्कूल में शायद ऐसा ना हो, तो इसलिए जो पेरेंट्स मीटिंग में जाना अच्छा लगता है। दीपक शर्मा जी, जैसे कि आप गाज़ियाबाद में वकालत करते हैं, दिल्ली में भी जाते हैं? मैं पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जब तक नहीं हुआ था तो मैं दिल्ली में ही करता था, मेरे गुरुजी जो हैं वो दिल्ली से ही हैं, मेरे दिल्ली में कज़न ब्रदर भी हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट? दिल्ली हाई कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट जो एक नया अधिवक्ता है, तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहले से बैठे या हाई कोर्ट में डायरेक्ट जा करके बैठे? देखिए, मैं नए अधिवक्ताओं को यही कहना चाहता हूँ कि डायरेक्ट हाई कोर्ट में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पे मेरिट से बात चलती है, सारा जो केस का ट्रायल होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है। हाई कोर्ट तो अपील कोर्ट है, वहाँ पे जो मुकदमे या कोई भी बात जाते हैं वो यहाँ के बाद जाते हैं, तो जो सीखने को हमें मिलता है, जो बेसिक्स हैं, वो हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मिलते हैं, और जो यहाँ सीख लेगा एक बार वो हाई कोर्ट जा सकता है, उसके बाद आगे कहीं भी जा सकता है। यानी कि हमें अगर छत पे चढ़ना है जी तो एक पहली सीढ़ी, पहली सीढ़ी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ सीखने को आपको मिलता है सारी चीज। दीपक शर्मा जी, जो बच्चे होते हैं जी, तो आप उन्हें आउटिंग पे ले जाते हैं? हाँ, मैं कभी कभी ले जाता हूँ जब हमारे पास समय होता। क्या आप उन्हें गिफ्ट भी देते हैं समय समय पर, अच्छी पढ़ाई के लिए प्रेरित करने के मैं लिए? उनको प्रेरित करता हूँ, और मैं, मेरा अपना मानना ऐसा है कि मैं उन्हें बहुत ज़्यादा गिफ्ट नहीं, लेकिन उनके जन्मदिन वगैरह या उनका कोई सेलिब्रेशन होता है तो मैं अवश्य अपनी हैसियत के अनुसार उन्हें गिफ्ट देने का प्रयास करता हूँ, उन्हें मोटिवेट करता हूँ। तो जो आपने अभी शब्द कहा मोटिवेट करने के लिए आप क्या क्या रास्ते अपनाते हैं? मोटिवेट के लिए सबसे पहला है मेरे अनुसार, क्योंकि सबसे पहली चीज़ क्या है कि अपने बच्चों से बात करनी चाहिए, उन्हें समझने का प्रयास करना चाहिए माँ बाप को कि हमारा बच्चे की क्या चीज़ें हैं, क्या उसमें गुण हैं, क्या कमियाँ हैं। तो उनको अगर कुछ कमियाँ आपको नज़र आ रही हैं तो उन्हें प्रयास करना चाहिए कि उसको पॉजिटिवली उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए, और उसको जो है ऐसा वातावरण देना चाहिए जिससे वो पॉजिटिव और फाइट करने के लिए सक्षम हो सके। एक बच्चा होता है जी, वो बनना कुछ चाहता है और उसको बनने के लिए फोर्स कुछ माँ बाप द्वारा या किसी और को आइडियल बनाकर उनके सामने पेश किया जाता है, क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मेरे अनुसार जैसा मैंने अपने बचपन से सीखा कि व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, लेकिन माँ बाप को ये नहीं करना चाहिए कि अपने बच्चों को पहले ही बना दे कि मुझे तुझे डॉक्टर बनाना है, तुझे इंजीनियर बनाना है या तुझे साइंटिस्ट बनाना है, वो नहीं। बच्चा अपनी योग्यता के अनुसार जिसमें उसका स्किल अच्छा हो, पॉजिटिव हो, उसको उस तरीके की तरफ जाने के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए उसको प्रेरित करना चाहिए, और बिल्कुल भी बर्डन नहीं डालना चाहिए कि आपको साइंटिस्ट ही बनना है। ये मेरा मानना है कि उनको जहाँ उसकी हॉबी है, जिधर वो जा सकता है, वो खिलाड़ी भी बन सकता है, वो इंजीनियर भी बन सकता है, लेकिन आप उस पर अपनी जो अपनी इच्छाएं हैं उनको ना थोपें। तो आप ये चाहते हैं कि वो फ्री माइंड जो उसकी रुचि हो वो रुचि में अपनी रुचि में आगे बढ़े, चाहे वो खेल हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो डॉक्टरी की पढ़ाई हो, चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, चाहे वकालत हो, या कोई भी पेशा हो। आज तो ऐसा टाइम चल रहा है कि एक अगर किसान के लिए भी कृषि भी करता है तो कृषि वैज्ञानिक वो कृषि को आधुनिक तरीके से कर रहा है, तो उसको भी हम नहीं कह सकते कि वो कुछ नहीं कर रहा है। तो इसलिए जहाँ उसकी हॉबी हो उसकी तरफ प्रेरित करना चाहिए। दीपक शर्मा जी, अभी आपने कृषि और किसान का नाम लिया तो उससे एक सवाल याद आया मुझे कि माता पिता अपने बच्चों से ये आकांक्षाएं रखते हैं, ये आशा रखते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा पुलिस बनेगा, मेरा बेटा प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तो कोई माँ बाप ये नहीं कहता कि मेरा बेटा किसान बनेगा। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न मैं मानता हूँ हमारे देश की सरकारें जो रही हैं, उन्होंने आज तक किसानों के लिए कुछ नहीं किया है। कोई कितना बड़ा किसान हो, कितना छोटा किसान हो, किसान हमारे देश में सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, हमारे देश को पालता है, लेकिन उसकी सिक्योरिटी कहीं नहीं है, उसकी फसल की कोई सुरक्षा नहीं है, उसको क्या लाभ मिल सकते हैं वो कोई सरकारें देती नहीं है, सिर्फ बातें करती हैं सरकारें। तो किसान जो है वो हर वक्त संघर्ष में रहता है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं होता है।
इसलिए कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि मेरा बेटा किसान बने। हालांकि अभी स्थितियां बदल रही हैं, लेकिन फिर भी सरकारों ने इस तरफ कोई काम नहीं किया, किसानों के हित के लिए कोई काम नहीं किया। इसमें केंद्र सरकारें भी शामिल हैं, इसमें राज्य सरकारें भी शामिल हैं, इसीलिए किसान आज भी दयनीय स्थिति में। तो आप कब से मतदान कर रहे हैं? मैं जब से 18 साल की उम्र हुई तो शायद तब से ही मैं मतदान करता हूं, और प्रत्येक लोकसभा और विधानसभा में मैंने मतदान किया है। जो आप मतदान का चुनाव करते हैं जी, तो वो कैंडिडेट देख कर करते हैं या पार्टी देख कर? निश्चित तौर पे मैंने आज तक कैंडिडेट देख कर के मतदान किया है, मैंने कभी किसी पार्टी को देख कर के मतदान नहीं किया है, और मैं आज भी कैंडिडेट देख कर ही मतदान करूँगा, मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ। क्या मतदान भारी रेशियो में भारी संख्या में करना चाहिए? निश्चित तौर पर मतदान अधिक से अधिक मात्रा में करना चाहिए, ये हमारा एक संवैधानिक अधिकार है, और हम इस अधिकार के द्वारा ही अपनी नीतियों को लागू कराने के लिए कुछ कर सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि अधिक मात्रा में मतदान करना चाहिए। ये आपकी पसंद हो सकती है अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्टियों के लिए अलग अलग कैंडिडेट के लिए, लेकिन मेरा मानना यह है कि मतदान अवश्य करना चाहिए। दीपक शर्मा जी, हमारे हम एक हिंदुस्तान के एक समाज के एक अंग, बहुत छोटे से अंग हैं। हमारे समाज में सबसे ज़्यादा एक दहेज एक अभिशाप के रूप में जाना जा रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस दर्दनीय स्थिति के बारे में? देखिए, दहेज प्रथा एक कुप्रथा थी, और जो लोग भी ऐसा नहीं है कि समाज में अधिक मात्रा में दहेज के मामले वास्तव में होते हों, कुछ मामले वैचारिक मतभेद के उत्पन्न हो जाते हैं तब भी दहेज के केस होते हैं, लेकिन मेरा मानना फिर भी ये है कि दहेज एक कुप्रथा है और इससे बचना चाहिए। इससे सबसे बड़ी चीज़ जो है इसमें वो अशिक्षा है। यदि लोग शिक्षित ज़्यादा मात्रा में होंगे तो ये सारी बुराइयाँ जो हैं वो उतनी कम हो जाएंगी। तो मेरा मानना ये है कि दहेज एक कुप्रथा, इसको दूर करना चाहिए, और समाज का इसमें बहुत बड़ा रोल है। इसमें समाज जितना हमारा मजबूत होगा उतनी कुप्रथाएं ये कम हो जाएंगी। भ्रूण हत्या के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? भ्रूण हत्या के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये एक सामाजिक बुराई है, और इसमें सबसे बड़ा रोल होता है कि हमारे आसपास कैसा माहौल है, और हमें प्रयास ये करना चाहिए कि बच्चा, चाहे वो बेटी है चाहे बेटा है, वो बराबर है। आज का ज़माना ऐसा नहीं है कि उसमें भेदभाव किया जा सके, और प्रत्येक बच्चा जो भ्रूण है जैसे ही, वो भगवान का दिया हुआ एक गिफ्ट है, उसकी रक्षा की जानी चाहिए, और हमें इसमें पूरा रोल अदा करना चाहिए, इस कुरीति को दूर करना चाहिए अवश्य। इसमें कानून भी बनाना चाहिए सरकार को, और स्ट्रिक्टली उसे लागू भी कराना चाहिए। जैसे को तैसा के बारे में क्या कहेंगे आप? जैसे को तैसा के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि जैसी परिस्थितियाँ हो खैर उसके हिसाब से काम करना चाहिए, लेकिन हमारा फर्ज है। क्या ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उससे तो समस्या का समाधान नहीं हो सकता, किसी समस्या का समाधान मिल बैठ कर ही लिया जा सकता है, और उसको लड़ाई से या मतलब जैसे को तैसा करके नहीं लिया जा सकता, उसे बातचीत के द्वारा समाधान किया जा सकता है जैसे भी, लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना चाहिए। जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। निश्चित तौर पर आज महंगाई का ज़माना है, और अपनी चादर को अवश्य पहचानना चाहिए, क्योंकि भविष्य किसी को दिखता नहीं है, कल क्या हो जाएगा, इसलिए अपनी परिस्थिति देखनी चाहिए, और जितनी चादर हो उसी के हिसाब से व्यक्ति को अपने खर्चे रखने चाहिए। अपनी इनकम कैसी है, आपके खर्चे कितने हैं, उसके हिसाब से ही व्यक्ति को समझना चाहिए। मनी को कैसे सेव करते हैं आप? मैं जितना मेरे पास बचता है उसको इन्वेस्ट करता हूँ, और म्यूचुअल फंड्स वगैरह मैंने ले रखे हैं, पॉलिसीज हैं, उसके हिसाब से ही मैं करता हूँ। चलिए, एक मजाक वाला सवाल है जी। मोदी जी ने नोटबंदी की जी, तो हमारी बहन जी के पास कितने रुपए निकल कर आए? उसने एक्चुअल में 40-50 हज़ार रुपये के करीब थे, जो उसकी पर्सनल बचतें थी, बचाए हुए थे उसके अकाउंट्स में थे, वही सिर्फ बदलवाए मोमेंट। और निश्चित तौर पर नोटबंदी का असर आया, लेकिन जो कानून है उसका पालन करना पड़ता है। जीएसटी के बारे में क्या कहेंगे आप? जीएसटी एक संपूर्ण टैक्स वाला कानून लेके ये नहीं आए, आज भी जीएसटी भी है, लेकिन उसके सिवा भी बाकी टैक्स हैं जो खत्म नहीं हुए। जीएसटी की जो मंशा थी कि भाई एक टैक्स रहेगा बाकी खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ, और जीएसटी से निश्चित तौर पर जो छोटे लोग थे, छोटे उद्यमी थे, छोटे कारोबार वाले लोग थे, उनको निश्चित तौर पर बहुत बड़ा धक्का लगा, अर्थव्यवस्था को काफी धक्का लगा है, और इसे उबरने में अभी काफी समय लगा।
दीपक शर्मा जी नेता जी थोता चना बाजे घना कहावत कही जाती है समाज में जी, तो क्या आजकल हमारे हिंदुस्तान के नेता बिल्कुल इसी कहावत पर खड़े उतर रहे हैं? निश्चित तौर पर हमारे देश की जो राजनीति है वो उस स्तर की नहीं है जो राजनीति होनी चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारे संविधान में जो हमें पावर दी गई उसका दुरुपयोग सिर्फ जो किया है वो राजनेताओं ने किया है। आज तक इंडिया में कोई ऐसा कानून नहीं बना है कि राजनीति करने के लिए कोई योग्यता तय की गई हो। अगर ऐसी कोई योग्यता तय होती तो निश्चित तौर पर सिर्फ पढ़े लिखे एजुकेटेड और जो वास्तव में राजनीति करके देश को आगे बढ़ा सकते हैं, जो देश की सेवा करना चाहते हैं, सिर्फ वो ही इस राजनीति में आते हैं। लेकिन आज के ज़माने में राजनेता सिर्फ बकवास करते हैं, सिर्फ लंबी लंबी बातें करने आते हैं, जिनको कुछ नहीं करना होता वो राजनीति में आ जाते हैं। इसलिए राजनीति का स्तर आज जनता की नज़रों में काफ़ी नीचे है। कौन से जिले में रहते हैं? मैं नोएडा में रहता हूँ, गौतम बुद्ध नगर। तो वहाँ के जो सांसद जी हैं महेश शर्मा, हाँ, इन 5 साल में कितनी बार मुलाकात हो गया? निश्चित तौर पर वो सिर्फ अपनी वोट मांगने के लिए मेरे यहाँ आए थे और उसके बाद उनके आज तक दर्शन नहीं हुए। हमारे हिंदुस्तान में जी जो रेलगाड़ियों के ट्रैक हैं जी, उन पर जो व्यक्तियाँ चलते हैं जी, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें जागरूकता की कमी है, अज्ञानता है। हम लोग नहीं जानते कि कहाँ चलना है, कहाँ नहीं चलना है। हमारे देश की जो जनता है आज भी बड़ी इतनी ज़्यादा शिक्षित नहीं है कि जिन्हें पता हो कि भाई रेल ट्रैक पर क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मेरा एक यही सुझाव है कि उसके लिए जागरूकता अभियान सरकारों की भी जिम्मेदारी है, रेलवे की भी जिम्मेदारी है। आपने अभी कहा जागरूकता की ज़रूरत है, तो किस तरीके की जागरूकता की ज़रूरत है? मेरा मानना है कि इसमें रेलवे एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। जागरूकता ये वो स्थान स्थान पर ऐसे कोई विज्ञापन या कोई कार्यक्रम ऐसे आयोजित करें जिससे जनता में ये मैसेज जाए कि भाई ट्रैक पर नहीं जाना है, उस पर कोई बैठना नहीं है, उस पर चलना नहीं है। तो ऐसे कोई कार्यक्रम इस्तेमाल किए जाए और रेलवे को एक फंड भी दिया जाना चाहिए अलग से, ताकि जो सेफ्टी है वो उसके लिए कुछ उसमें खर्च कर सके और ऐसे खुले में पब्लिक ना आए, पशु ना आए, इनसे जो थोड़ा सा अलग तरीके का रेलवे ट्रैक को सेफ्टी करने के लिए कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है। आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को मेरा यही संदेश है कि समाज में सबसे बड़ी चीज है एकजुटता। धर्म जाति और ऊंच नीच इसको छोड़ना होगा, तभी हम वास्तव में शिक्षित माने जाएंगे। आज जो पुरानी सदियों से चली आ रही है हमारे यहाँ जाति प्रथा, धर्मवाद, व्यक्ति को ऊंचा नीचा मानने वाली, हमारे विकास में सबसे बड़ा रोड़ा हुआ है। नहीं, ये तो ट्रेन ने खत्म कर दी। ट्रेन ने जी नहीं, ट्रेन ने तो खत्म नहीं की है पूरी तरह से, फिर भी हम लोगों के दिलों में वो चीजें बनी हुई हैं। दिलों में, हाँ, ये बात सही कह रहे हैं। इसको दूर करने के लिए सबसे पहली चीज ये है कि सबसे हमें ये समझना होगा कि व्यक्ति की अपना रहन सहन है, अपना व्यवहार हो सकता है, लेकिन हम हैं सब इंसान और इंसानियत को बढ़ाने की जरूरत है सबसे बड़ी चीज। क्या इंसान को इंसान से धोखा देना चाहिए? इंसान को धोखा, मेरा मानना यह है कि इंसानियत में धोखा नहीं हो सकता। अगर आपके अंदर इंसानियत है तो वो धोखा नहीं देगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हम इंसानियत को खोज नहीं पा रहे हैं अपने अंदर। हम एक दौड़ में शामिल हो गए हैं, किसी ने किसी का झंडा उठा लिया, किसी ने किसी का झंडा उठा लिया, कोई किसी धर्म पे अपने पे घमंड करता है, कोई अपनी जाति पे कोई घमंड करता है, हम उसमें अभी घिरे हुए हैं। इस सब को छोड़ के हमें आगे बढ़ना। दीपक शर्मा जी, क्या जातिवाद हिंदुस्तान की बहुत घिनौनी कृति? निश्चित तौर पर जातिवाद और धर्मवाद ये हमारे सारे समाज को पीछे भेजने का काम किया इन्होंने। अगर हम ठीक है, हम जाति को नहीं छोड़ सकते, लेकिन हम उसको आगे रख के कोई गलत काम करें या उसके जाति का फायदा उठा के कोई काम करें तो वो मैं ठीक नहीं मानता। आप किस तरीके के केस देखते हैं दीपक? मैं क्रिमिनल ज़्यादा देखता हूँ, क्रिमिनल केसेस ज़्यादा देखता हूँ। भारतीय दंड संहिता 497 के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? 497 अभी सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट टाइम जो है उस पर एक बड़ा निर्णय दिया है और मेरा मानना है कि वो जो भी है, जब मेकाले के टाइम की हमारी IPC बनी हुई थी उसके बाद में ये बड़ा एक संशोधन कराया है इन्होंने
और 497 में अब क्योंकि स्थितियां बदल गई हैं, समाज की भी स्थितियां बदल रही हैं, तो हमें मेरा अपना मानना ये है कि हम इस 497 के सेक्शन के द्वारा आज हम पश्चिमी देशों की कतार में जाके खड़े हुए हैं। पॉक्सो एक्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पॉक्सो एक्ट बहुत ही अच्छा एक्ट, और बच्चों की सुरक्षा के लिए, लैंगिक भेदभाव के लिए, उनके साथ कोई लैंगिक दुर्व्यवहार ना हो, उसमें ये एक्ट बनाया गया है और इसको सख्ती से लागू किया जाता है। और मेरा मानना है इससे काफ़ी बच्चों के लिए हमारे कानून में बदलाव आए हैं और उनकी सुरक्षा पे इस पर काफ़ी फायदा मिला है। 3/4 DP एक्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? 3/4 DP एक्ट मेरा मानना है कि जो वास्तव में ऐसी घटनाएं होती हैं इससे संबंधित है उनको वास्तव में दंडित किया जाना चाहिए, लेकिन इसके पीछे एक निश्चित तौर पर जांच जो है वो अवश्य होनी चाहिए कि क्या वास्तव में ऐसी कोई डिमांड हुई है, क्या ऐसा अपराध वास्तव में हुआ है और किसने किया है, जो उसमें जिम्मेदार है सिर्फ उनके खिलाफ कोई आगे कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे समाज में एक डर जी कि शादी से 7 साल पहले और 7 साल के बाद, तो आप क्या समझाना चाहेंगे? शादी से 7 साल बाद तक, अगर मेरा मानना यह है कि ये एक ऐसा पीरियड कानून में काउंट किया गया था कि 7 साल की जो अवधि रखी गई थी इसमें वो इसलिए रखी गई थी कि हो सकता है 7 साल तक परिवार समाज और उसको समझ लेंगे दोनों एक दूसरे को पति पत्नी, इसलिए 7 साल का उसमें समय दिया गया था कि यदि कोई ऐसा अपराध होता भी है तो वो इस अवधि में जो काउंट किया जाए। उसके बाद तो ये है कि नॉर्मल हो जाता व्यक्ति, यदि आप साथ रह रहे हो तो फिर ऐसा अपराध या ऐसी कोई मांग होगी तो निश्चित तौर पर फिर वो जो है इतनी प्रभावी नहीं। दीपक शर्मा जी, क्या हिंदुस्तान में वकील सुरक्षित है? निश्चित तौर पर मेरा मानना यह है कि हिंदुस्तान में आज जो समय चल रहा है उसमें वकील तो क्या कोई है? कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं करता। आप हिंदुस्तान के महिलाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हिंदुस्तान की महिलाएं आज काफ़ी आगे बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं और वकील हैं, और खेल में अभी मैरी कॉम ने देखिए 6ठी बार जो है गोल्ड जीता है, बड़ा गर्व है उसे, उसको देश को उस पर, और मैं मानता हूँ महिलाएँ काफ़ी अच्छा कर रही हैं। एक फिल्म आई थी शाहरुख खान की, चक दे इंडिया जी, आमिर खान की फिल्म आई थी आमिर खान दंगल, और अक्षय कुमार की आई थी पैडमैन जी, और कुछ ऐसी फिल्में जो आपको प्रेरित करती हूँ? अच्छी फिल्में हैं, मैं काफ़ी कम फिल्में ही देखता हूँ, लेकिन मैंने वो अक्षय कुमार की एक टॉयलेट प्रेम कथा देखी थी और उसमें एक मैसेज था कि भाई जो खुले में सोच वगैरह के लिए जो सरकार की भी सोच है तो उस पर काफ़ी प्रयास किया गया था, और उसको कॉमेडी टाइप से दिखा के और काफ़ी जो है एक मैसेज देने का प्रयास किया गया, तो स्वच्छता की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए और जो हमारी फिल्में हैं वो भी अच्छी फिल्में हैं जो समाज को कोई मैसेज देती हों एकता का और स्वच्छता का, किसी भी चीज़ पर वो अच्छी फिल्में हैं, वो अच्छी मैं उनका जो सम्मान करता हूँ। हमारे हिंदुस्तान में सरकारी स्कूल भी हैं तो प्राइवेट स्कूल भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप दोनों? सरकारी स्कूलों के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हम लोगों की एक समाज की जो जिम्मेदारी है उसको सरकारों ने भी नहीं निभाया है। हम कक्षा 1 से कक्षा 12 तक तो हर पेरेंट्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा प्राइवेट में पढ़े, लेकिन जैसे ही वो इंटर कर लेगा उसके बाद वो सोचते हैं कि मेरा बच्चे को सरकारी स्कूल मिल जाए, इंजीनियरिंग में मिल जाए सरकारी, डॉक्टर में मिल जाए सरकारी, लॉ में सरकारी मिल जाए, तो हमें इस सोच को बदलना है। उसमें सबसे ज़रूरत क्या है कि सरकार को सोचना चाहिए, सरकार में जो लोग हैं, जो शासन में लोग हैं, वो खुद ही इस तरफ ध्यान नहीं दे पाते, वरना तो ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा का कोई दूसरा स्तर हो, लेकिन इस पर सरकारों की कुछ उदासीनता है, ये मेरा मानना है। क्या इंसान को लालची होना चाहिए दीपक शर्मा जी? निश्चित तौर पर इंसान को लालची नहीं होना चाहिए, और लालच हमें गलत रास्ते पर ले जाती है, लेकिन हमारी एक मनोवृत्ति है लालच की तरफ जाना, उससे बचना चाहिए। गरीब जो होता है वो मदद का तलबगार होता है जी, और एक कहावत कही जाती है कि टिंको को डूबते का सहारा। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना यह है कि हमें देखना चाहिए कि यदि कोई ज़रूरतमंद है और हम जितनी उसकी ज़रूरत कर सकते हैं इंसानियत के नाते, हमें अवश्य करनी चाहिए। ये समाज की एक अच्छी बात है कि हमारे अंदर एक मनोवृत्ति होती है मदद करने की, और उसको डेवलप करना चाहिए, जिसकी ज़रूरत हो अवश्य करनी चाहिए।
कामयाबी के क्या राज है? कामयाबी का मेरे अनुसार तो सिर्फ एक ही राज है कि आप कठिन मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए, कभी पीछे मत पड़िए। आप कोशिश कीजिए, फेल होंगे आप, लेकिन आप सफल तभी होंगे जब आप लड़ेंगे। लक्ष्य, धैर्य, परिश्रम जी, इन तीनों से क्या बनता है? देखिए, जब आप एक लक्ष्य तय कर लेते हैं तो उसके लिए आपको परिश्रम अवश्य करना चाहिए, और परिश्रम करते करते धैर्य रखना जरूरी है, क्योंकि परिश्रम का मतलब ये नहीं है कि आप एक बार में सफल हो जाएंगे। आप लगातार परिश्रम कीजिए, तब आपको लक्ष्य मिलेगा। दीपक शर्मा जी, आप जो नए अधिवक्ता इस प्रोफेशन में आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? नए अधिवक्ताओं का स्वागत है इस व्यवसाय में, लेकिन मेरा मानना यही है कि आप कठिन परिश्रम कीजिए और सीखिए। सीखना बहुत ज़रूरी है इस क्षेत्र में, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है, यदि आप इसमें बिना सीखे और सीधे काला कोट पहन के सीधे कोर्ट में चले गए तो आपको कुछ नहीं होगा। आप पढ़ कर जो आए हैं उससे प्रैक्टिकल में काफ़ी फर्क है, तो इसलिए मेरा उनको यही संदेश है कि आप आइए, मेहनत कीजिए, सीखिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। आप हंसते बहुत कम है, क्या वजह है इसकी? मेरा ऐसा ही नेचर है, जब मौके आते हैं तब मैं काफ़ी हंसता भी हूँ। क्या स्वास्थ्य का सब्जेक्ट हर क्लास में होना चाहिए? निश्चित तौर पर आज जो हमारा समय है उसमें स्वास्थ्य के संबंध में जो है काफ़ी चीज़ें हैं जिनको समझना ज़रूरी है, और उसके संबंध में एजुकेशन में भी स्वास्थ्य के लिए होना चाहिए, और स्वास्थ्य सबसे पहली चीज़ है। चलिए, चलते चलते एक सवाल जी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता जी, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मेरा व्यवसाय झूठ से संबंधित है, और मेरे पास जो आता है मेरा क्लाइंट निश्चित तौर पर वो दोषी होता है कि भाई दो उस पर कोई आरोप होते हैं, और उसे बचाने का मेरा काम होता है। यदि मैं शुरू के दिन जाके ही ये कह दूँ कि नहीं साहब, मेरा क्लाइंट जो है जो आरोप है उस पर और वो दोषी है, तो मेरा व्यवसाय नहीं चल पाएगा। इसलिए ज़रूरी है मुझे अपने क्लाइंट का बचाव करना है, तो जहाँ आवश्यकता है वहाँ आप प्रयास कीजिए अपने व्यवसाय से सच्चाई बरतने के लिए, आपको थोड़ी सी झूठ बोलनी पड़ेगी। सनी देओल का एक डायलॉग बहुत मशहूर है हिंदुस्तान में, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसमें मैं मानता हूँ कि इसमें अवश्य कुछ जजों की कमी है हमारी न्याय व्यवस्था में, क्योंकि उनकी इतनी मुकदमों की तादाद बहुत अधिक है और जजों की संख्या काफ़ी कम है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ अधिवक्ताओं की प्रैक्टिस ऐसी होती है कि टालने में विश्वास रखते हैं, लेकिन अब थोड़ा जागरूकता बढ़ रही है। पिछले 4-5 सालों से मैं देख पा रहा हूँ कि काम में काफ़ी प्रगति है, और कोशिश की जा रही है न्यायपालिका के द्वारा भी और अधिवक्ताओं के द्वारा भी। अधिवक्ता भी अपना पूरा रोल अदा कर रहे हैं कि वो जो लिंगर ऑन ना किया जाए किसी भी केस को, और मेरा मानना यह है कि जितना भी हो सके अत्यधिक प्रयास करना चाहिए ताकि ये जो पेंडेंसी है हमारे केसों की, इसको थोड़ा दूर किया जाए। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं आप दीपक शर्मा जी? कभी कभी मैं पीता हूं। फ्री की मिल जाती हो तो भी तो ले लेते होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, कभी गर्मी के मौसम में यदि होता है तो मैं। तो क्या आपको लगता है कि हमारे समाज में कोल्ड ड्रिंक होनी चाहिए? नहीं, मेरा मानना यह है कि जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीज़ें हैं इनका ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक बनाई है बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, हमारी सरकार खुद उन्हें लाइसेंस देती है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए जो चीज़ हानिकारक है उनमें हमें खुद अपना रोल देखना होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। दीपक शर्मा जी, आपने कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। हमारे साथ हैं दीपक शर्मा जी। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।